एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बी फेवरेट पलक। सो इंस्टाग्राम पे मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि मैं अपने बाल में क्या यूज करती हूँ, क्या यूज नहीं करती हूँ, कौन सा हेयर ऑयल यूज करती हूँ, कौन सा कंडीशनर यूज करती हूँ, कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ, ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और इसको अपलोड करूं। एक्चुअली मैंने ना ये वीडियो इंस्टाग्राम के लिए भी बनाया है, तो मैंने डिसाइड किया मैं ये वीडियो यूट्यूब के लिए भी बना सकती हूं। तो मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली, किसी के साथ भी जिसके लिए वीडियो फायदेमंद रहे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो या विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं हेयर ऑयल्स की। मुझे सबसे ज्यादा हेयर ऑयल जो पसंद है वो है फ्रॉम द ब्रांड पैराशूट, ये कोकोनट ऑयल। आई थिंक बचपन से सबके घर में बोलते हैं कि बालों में थोड़ा तेल लगा ले, बाल झड़ गया है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो यहाँ मुझे भी बोला गया है। और मैं बचपन से हेयर ऑयल यूज करती हूँ, कोकोनट ऑयल ही यूज करते आई हूँ, जो मुझे काफी पसंद है अप्लाई करना। देन अनदर हेयर ऑयल जो मैं यूज करती हूँ वो है एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल हमारे वालों के लिए बहुत अच्छा है, आई थिंक सभी को पता है। देन अनदर ऑयल जो मैं यूज करती हूँ वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल ये मैं खादी की यूज करती हूँ, बहुत अच्छा होता है नीम ऑयल हमारे बालों के लिए। अगर इचिंग की इश्यू है तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये नीम ऑयल एक बार ट्राई करके देखें। मैं ये तीनों ऑयल्स को मिक्स करती हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ अपने बालों में। एटलीस्ट 5 मिनट तक मैं अपने बालों में ये ऑयल्स मसाज करती हूँ और एक दिन अपने बालों में ऐसे ही रहने के लिए देती हूँ। देन नेक्स्ट डे मैं हेयर वॉश करती हूँ। इफ पॉसिबल मैं ये सारे ऑयल्स में एक इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ, आई मीन ऐड करती हूँ, वो है ये ना, ये क्या है, ये है आंवला जूस जो मैंने घर पे बना के रखा है। ये मैं हेयर ऑयल में यूज करके अपने बालों में यूज करती हूँ। तो अगर आपके बालों में प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग के इश्यू है तो आप डेफिनेटली होममेड ये आंवला जूस यूज करें। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट दिस। एंड अभी बात करते हैं शैम्पू की। शैम्पू जो मैं यूज करती हूँ, जो मुझे पसंद है, मैं फिलहाल यूज कर रही हूँ, वो है हिमालय का ये डैमेज रिपेयर प्रोटीन शैम्पू, जो मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ से यूज कर रही हूँ। यह मुझे काफी पसंद है, प्राइस वाइज भी ये मुझे काफी रिजनेबल लगता है, क्योंकि 700 ml में इसका प्राइस है 450 rupees, बहुत सस्ता लगता है मुझे। तो अनदर शैम्पू जो मुझे पसंद है वो है बेयर एनाटॉमी का ये शैम्पू। बेयर एनाटॉमी ऐसा ब्रांड है जो कस्टमाइज हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कस्टमाइज आई मीन आपके बालों के क्वालिटी के हिसाब से ये कंपनी शैम्पू बनाते हैं, शैम्पू कंडीशनर ये सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मुझे ये एक्चुअली पीआर बॉक्स में आया था, लेकिन ये मुझे काफी पसंद आया। ये इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो हमारे बालों के लिए खराब है, और इसका एक ही खराब से ये है कि इसमें बिल्कुल भी फोम नहीं आता, बिल्कुल भी लेडर नहीं आता है बालों में अप्लाई करने के बाद, इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये शैम्पू पसंद नहीं आते हैं। अगर आपको भी लेडर नहीं आने वाला शैम्पू पसंद नहीं है, देन आई विल नॉट सजेस्ट यू टू अप्लाई दिस शैम्पू। देन अनदर शैम्पू जो मुझे पसंद आया वो है फ्रॉम द ब्रांड विश केयर, ये है राइस वाटर शैम्पू। हम सबको पता है राइस वाटर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये जो शैम्पू है इसमें सल्फेट पैराबेंस कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे है हमारे बालों के लिए, लेकिन सेम इसमें भी आप फोम या लेडर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो, बिल्कुल नहीं आते हैं। मैं एक्चुअली शैम्पू जो यूज करती हूँ कभी भी डायरेक्टली अपने बालों में यूज नहीं करती हूँ, उसको पहले पानी के साथ मिक्स करती हूँ, उसके बाद वो शैम्पू मैं यूज करती हूँ अपने बालों में, जो एक्चुअली सही तरीका है शैम्पू यूज करने का। अनदर शैम्पू जो मैं यूज करती हूँ जो मुझे काफी 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 पसंद आया वो है एस्टी बोटानिका का ये गो स्मूथ शैम्पू, जो बहुत अच्छा है। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो हमारे बालों के लिए खराब है, लाइक SLS, SLES, पैराबेन, सिलिकॉन्स, मिनरल ऑयल्स कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद भी बहुत अच्छा फोम आता है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो शैम्पू है 200 ml में इसका प्राइस है 399, मुझे काफी एक्सपेंसिव लगता है काफी, लेकिन ये मुझे पीआर बॉक्स में आया था और उसके बाद जब से मैंने ये यूज किया है मुझे काफी पसंद आया। तो अब बात करते हैं कंडीशनर की।
अगर कंडीशनर की बात करो तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया कंडीशनर वो है फ्रॉम द ब्रांड बेयर एनाटॉमी। अगेन ये कस्टमाइज्ड कंडीशनर है। बस मैंने बोला कि बेयर एनाटॉमी कस्टमाइज हेयर केयर प्रोडक्ट बनाते हैं और यू कैन सी मैंने कितना कंडीशनर यूज किया हुआ है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये कंडीशनर। लाइक मुझे शैम्पू इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, एज मैंने बोला कि इसमें फोम नहीं आता है, लेकिन इस कंडीशनर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये कंडीशनर। अनदर कंडीशनर जो मुझे पसंद आया अगेन फ्रॉम द ब्रांड एस्टी बोटानिका गो स्मूथ कंडीशनर। इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो हमारे बालों के लिए खराब है, एज मैंने बोला ऑलरेडी। और ये जो कंडीशनर है ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं फिलहाल ये ही यूज कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं इतना ज्यादा कंडीशनर यूज नहीं करती हूँ। मुझे यूज करना पसंद है हेयर मास्क। मैट्रिक्स बायोलॉग का जो हेयर मास्क है ये मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर से यूज करती हूँ। महीने में एटलीस्ट 2 बार इसको अप्लाई करती हूँ अपने बालों में। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपके बालों में हेयर टैंगलिंग के इश्यू है, बाल बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है, देन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये अप्लाई करके देखो। आई एम श्योर आपको ये काफी पसंद आएंगे। मुझे ये सारे बालों के लिए जितना भी प्रोडक्ट बोला सबसे ज्यादा पसंद है ये हेयर मास्क। तो अभी बात करते हैं कुछ ऐसे चीजों की जो हमें पता होना चाहिए हमारे हेयर केयर के लिए। तो अभी बात करते हैं पिलो कवर की। तो हमें यूज करना चाहिए ऐसे साटिन पिलो कवर हमारे बालों के लिए। एक्चुअली जो कॉटन पिलो कवर होता है वो हमारे बालों के मॉइस्चर को ऑयल को सूख लेता है, जिसके कारण हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऐसे साटिन पिलो कवर यूज करें। देन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें हमारे बालों के लिए इस टाइप के बिग टूथ वाले कॉम्ब यूज करना चाहिए। ऐसे कॉम्ब यूज करने से हमारे बालों में हेयर फॉल की इश्यूज कम होगा। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये जो सारे चीजें हैं पिलो कवर कॉम्ब, इसको हफ्ते में एटलीस्ट एक बार हमेशा वॉश करना है। हमेशा इस बात का ध्यान दें और इस बात का ध्यान रखें कि कभी कभी आप किचन भी जाएं और वहां से सामान लेके आपके बालों में अप्लाई करें। अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप आपके बालों में अनियन यूज कर सकते हो। आपके जो हेयर ऑयल है उसमें जस्ट अनियन जूस यूज करो और आपके बालों में अप्लाई करो। देखो चेंज बहुत अच्छा होता है अनियन हमारे बालों के लिए। और मेथी यूज कर सकते हो, देन दही यूज कर सकते हो। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। या आई होप आपके लिए वीडियो फायदेमंद रहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।